बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द एकेडमी। जी तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था क्वालिफिकेशन के बारे में, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, उसके बाद उसकी प्योर क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आज हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर में हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वालिफिकेशन। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सॉल्यूशन ऑफ क्वालिफिकेशन। तो ये एमसीक्यूज भी आता है, हाउ मेनी मेथड्स टू सॉल्व आवर क्वालिफिकेशन। देयर आर थ्री। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड द थर्ड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के तीन मेथड है। फर्स्ट पे फैक्टराइजेशन है, सेकंड पे कंप्लीटिंग स्क्वायर है, नंबर थर्ड पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन ये तीनों मेथड हम लगा सकते हैं अगर हमारे पास क्वाड्रेटिकेशन जो है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो फिर हम क्वाड्रेटिकेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इन तीनों मेथड को डिस्कस करने से पहले हम सीखते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, तो ये हमारे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन भी है कि हम उसको क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 विदय के, राइट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिकेशन। कि हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है और हमें पॉइंट आउट करना है कि कौन सी प्योर क्वाड्रेटिकेशन है। जी तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ। आपने बनाना क्या है वो आपको बताना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को आपने इस फॉर्म में बनाना है। यानी कि पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए, फिर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो अगर तो हमने इसको इस फॉर्म में बना दिया, इसका मतलब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप क्वेश्चन को जरा फोकस करें। हमारे पास क्या है, यहां पर एक्स प्लस सेवन है और एक्स माइनस थ्री है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, जी बिल्डन, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनमें मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, तो हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो पहले जो क्वेश्चन हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में फर्स्ट एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स थ्री से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस थ्री एक्स। उसके बाद ये आपके पास, हमने x को मल्टीप्लाई करिए दोनों के साथ, अब हमने 7 को लेना है, पहले इसके साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 7x माइनस 21 और इक्वल टू 7, ये एज इट इज। जी तो बच्चों, हमें जो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि उसको मल्टीप्लाई करें, तो हमने उसको क्या कर दिया है। फर्दर क्या हो रहा है, अब इसमें लाइक टर्म्स आ रही है। ये देखें, 3x और 3x लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, ये मैंने आपको बताया अभी, जो जो टर्म्स के टॉपिक पर वीडियो मौजूद है उसको आप देखें, आपको आइडिया हो जाएगा लाइक और अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होती है, तो लाइक टर्म्स जो है इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो ये आपके पास ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये 3 टाइम एक्स है, ये 7 टाइम, तो माइनस 3 टाइम प्लस 7 टाइम, तो आंसर आपके पास आएगा 4 टाइम एक्स माइनस 21। पे क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, जीरो है, हम इसको इधर मूव कर लेंगे, इधर ऐड हो रहा है, इधर आके आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इक्वल को साइड पे क्या आपके पास जीरो बचेगा। लो जी, आप इधर देखें तो लाइक टर्म्स, ये कांस्टेंट लाइक टर्म्स हैं, इनको हम ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब माइनस 7 और माइनस 21 कितना हो जाएगा, प्लस का 28, नहीं बच्चों ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे,
जब एड सबट्रैक्ट वो जो फार्मूला है कि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस ना माइनस माइनस प्लस होता तो मल्टीप्लाई होता, यहां पे एड सबट्रैक्ट हो रहा है, तो ये आपके पास क्या आएगा, सेम साइन आ जाएगा और ये 28 हो जाएगा। ऑब्वियसली आपको प्लस माइनस को करना आता ही होगा। लो जी, अब आप अगर देखें तो ये आपके पास x स्क्वायर x कांस्टेंट इक्वल टू 0 जी, आपको लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बना लिए, ठीक है। अगर आप यहां तक छोड़ दें तो ये ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। लेकिन अगर फर्दर एक्सेप्ट करना चाहें, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे बनाना चाहें कि इधर तो प्लस था इधर भी प्लस था तो यहां पे माइनस क्यों है, तो फिर आप इसको कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 28 इक्वल टू 0। तो हमने ये कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में, जब हमने ये पढ़ा था क्वाड्रेटिक को, हमने कहा था ए बी सी जो है ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से। इसका मतलब ये जो माइनस 28 है ना, ये सी की वैल्यू है, यहां पे ऑब्वियसली प्लस ही है, ये जो है ये प्लस ही है, यहां पे जो माइनस आया ना ये इससे मल्टीप्लाई हो गया है, ये प्लस ही था। अगर आप यहां तक भी रहने देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, लेकिन अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाह रहे हैं जिस तरह से हमारे पास यहां पे प्लस है, यहां प्लस है, यहां माइनस क्यों आया है, तो बेसिकली माइनस इस वजह से आया है कि ये माइनस जो है वो सी की वैल्यू के साथ था, तो ये बाहर प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो निश्चय आप इसको लिख दें, हेंस इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, हेंस इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जी आपका क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हुआ जी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडिंग बाय 3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। मैं इसको अगर इस तरह से लिख दूं, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, तो कितना आसान होगा, बड़ी आसानी से हम इसको कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम इजीली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या कर रही है, हम इस तरह डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास डिनोमिनेटर आ रही है, फ्रैक्शंस आ रही है जी। तो जब फ्रैक्शंस होती है तो उनको ऐड सबट्रैक्ट किस तरह से किया जाता है जी, उनको एलसीएम से ऐड सबट्रैक्ट किया जाता है। तो इसका मतलब हमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, या फिर हम ऐसे कर दें कि इसका डिनोमिनेटर खत्म कर दें, अगर उस तरह सिंपल बना लें तो हमारे लिए आसानी नहीं होगी। तो आपको दोनों सूरतों में या तो आपको इसका एलसीएम करना पड़ेगा, या फिर आपको इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, इस तरह सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, आप उसको ऐड सबट्रैक्ट करके आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं। तो फिलहाल हमारी प्रॉब्लम जो है वो डिनोमिनेटर है, तो इस डिनोमिनेटर को दो तरह से खत्म कर सकते हैं आप, कि आप इसके एलसीएम लेके इसको उधर मूव कर दें, या आप इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये सारा डिनोमिनेटर एक दफे खत्म हो जाए और वो नंबर ऑब्वियसली इसका एलसीएम है। तो ऑब्वियस है कि आपको लास्ट क्लासेस में आपने एलसीएम सीखा होगा और आपको अच्छे तरीके से आता होगा, और अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो एलसीएम पर वीडियो मौजूद है मेरी यूट्यूब पर, आप जाके उसको अच्छे तरीके से देखें, इंशाल्लाह आपको एलसीएम लेना आ जाएगा, एलसीएम आप सीख जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी जी। तो हम देखते हैं इसको किस तरह से मैं इसको हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां इसको खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई करने लगा हूं, मल्टीप्लाइंग बाय 21, इसका एलसीएम जो है वो 21 आएगा, तो 21 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय x रेस पर 2 प्लस 4 डिवाइडिंग बाय 3, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको डॉट भी लगा सकते हैं, आप सारा क्रॉस भी लगा सकते हैं, आप ये ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आपने थ्रू आउट तमाम टर्म्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है कि इक्वालिटी में कुछ भी ऐड कर दें बोथ साइड
कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दें, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें, लेकिन तमाम टर्म्स को, तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप तमाम टर्म के साथ उसी तरह डील करेंगे तो फिर उसकी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने 21 से थ्रू और सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपके पास क्या है, आप देखें तो ये कैंसल आउट हो रहा है, ये 3 7 और ये 7 3 जी। अब आपके पास यहां पे 7 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यह आएगा 7 into xk + 4 - 3 ये into x is equal to 21 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता। लो जी, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 7x² + 7 × 4 = 28 - 3x, इधर हमें 0 चाहिए तो वो उधर ऐड हो रहा है, इधर आके सबट्रैक्ट इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 7x² - 3x। यहां पे लाइक टर्म्स, ये 28 है, 28 प्लस का है और 21 माइनस का है तो साइन प्लस आएगा, और 28 में से तो ये आपके पास आ जाएगा 7 = 0। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद है तो यहां पे x स्क्वायर चाहिए था, यहां पे x चाहिए था, यहां पे कांस्टेंट इक्वल टू 0। फर्दर जो मैंने एक्सेप्ट आपको बताया था, अगर उस तरह से करना चाहे आप यहां प्लस, तो ये -3 × x + 7 = 0, तो ये आपके पास की स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। आप नीचे वही सेंटेंस लिखते हैं जो इधर लिखा था, हेंस इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी, पार्ट सेकंड आपका कंप्लीट हो गया, होप सो आपको समझ आ गई होगी। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट 3 पे चलते हैं, यकीनन आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपको चाहिए कि आप वीडियो को पॉज करें और इसको आप खुद से करें। यहाँ पे आपके पास x की जगह पर वहां पे x प्लस 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 7 वहां पे x है, तो आप गेस करें आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये भी आप खत्म हो जाए और ये भी खत्म हो जाए। जी, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बाय x इंटू x प्लस 1, यानी इसको खत्म करने के लिए x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको खत्म करने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो थ्रू तमाम टर्म्स से जो है वो x इंटू x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ एक स्टेप, मैं जो मल्टीप्लाई करके दिखाया था ये मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उसको कैंसिल आउट करके, तो आप इसको ये स्टेप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 कैंसिल, यहां पे आएगा x इंटू x, x x से मल्टीप्लाई होगा प्लस, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x x से कैंसिल, तो ये आपके पास आएगा x प्लस 1 और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 से, और इस साइड पे क्या करेंगे x इंटू x प्लस 1 एज इट इज आ जाएंगे। हमने उसको मल्टीप्लाई किया और जो कैंसिल होता था उसको डायरेक्ट कैंसिल करेंगे, यहां पर ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 कैंसिल, x आएगा तो उसको x से मल्टीप्लाई ऊपर, और यहाँ पे क्या बचेगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x x से कैंसिल, x प्लस 1 वो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर चूंकि 6 ही था उसके डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं था तो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी, तो अब क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये x x से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x को 1 से, x x को 1 को x से मल्टीप्लाई, x 1 को 1 से, ये 1, अब 6x को अंदर मल्टीप्लाई तो 6x स्क्वायर प्लस 6 टाइम x। अब ये लाइक टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो यहां पे देखें तो आपके पास ये लाइक टर्म्स है, ये और ये जो है वो लाइक टर्म्स है, और ये लाइक टर्म्स है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 2 टाइम x स्क्वायर और ये 2 टाइम x प्लस 1 इक्वल टू 6x² + 6x। क्या करेंगे किसी एक साइड पर शिफ्ट कर लेंगे, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे या उसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो मैं इसको उस तरफ शिफ्ट कर रहा हूं लेकिन लिख इस साइड कर रहा हूं, आप समझ लें ये वाली साइड इधर है तो ये आपके पास 6x² + 6x, इधर ये 2x उधर जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा 2x², 2x इधर ऐड हो रहा है तो ये इधर 2x सबट्रैक्ट हो जाएगा, 1 इधर ऐड, इधर आगे माइनस,
सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इक्वल टू इधर इक्वल टू जीरो बनना था तो मैं इसको इस तरफ लिख लेता हूं। लो जी अब लाइक टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी, 6x² और 2x माइनस 2x² तो ये आ जाएगा 4x² 6x स्क्वायर में से माइनस 2 करेंगे तो 4x² प्लस 6x में से 2x तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये आपके पास आ जाएगा 4x² प्लस 4x प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। सो हेंस इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। जी तो आपके ये फर्स्ट थ्री पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट थ्री पार्ट जी स्टूडेंट्स, तीन पार्ट आपको समझ आ गए होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1, इसका पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। बेसिकली आपको ये वीडियो पॉज करनी चाहिए और खुद से इसको सॉल्व करना चाहिए, सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले तीन पार्ट किए हैं, लेकिन मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आपने इसको खुद से करना है। चलते हैं पार्ट नंबर 4 जी। तो इसमें देखें उसी तरह से ही लास्ट पार्ट की तरह आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था अगर हम इस डिनोमिनेटर को ख़त्म कर दें तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना ज़्यादा आसान है। तो इसके लिए क्या किया था हमने लास्ट क्वेश्चन में, जी हमने मल्टीप्लाई किया था एलसीएम के साथ, यहाँ पे एलसीएम जो है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 2 थ्रू आउट क्या करेंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर इसको एक्स इंटू एक्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा उसको उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, ये आपके पास आएगा एक्स, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई तो एक्स प्लस 4। इसी तरह से बेटे आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, सेम है, एक्स माइनस 2 रिमेनिंग होगा और वो उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में एक्स माइनस 2 पहले से मौजूद है, उससे जो हमारा क्वेश्चन था इसको डिवाइड करने से इस डिनोमिनेटर पर उसको मल्टीप्लाई कर दें, प्लस इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जी तो बेटे हमने क्या किया, x इंटू एक्स माइनस 2 को थ्रू आउट तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई किया चूंकि वो 0 था तो वो 0 हो गया। तो जी अब फर्दर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास ये x, उसके अंदर जो टर्म्स है उनके साथ 1 by 1 मल्टीप्लाई होगा, x x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x², x 4 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 4x। इसी तरह ये माइनस एज इट इज और इसको हम 1 by 1 मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2 से ये माइनस 2x, उसी तरह माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 2 ये प्लस का 4 आ जाएगा। ये ब्रैकेट मैंने वैसे लगा दी चूंकि बाहर माइनस है तो जब भी माइनस आता है तो माइनस क्या करता है उसके तमाम जो नेक्स्ट जो भी टर्म्स होती हैं उनके साइन बदल देता है, तो माइनस मैंने अभी अप्लाई नहीं किया इसलिए ब्रैकेट लगा दी ताकि ये उसको बाद में चेंज कर सके। अक्सर इसमें मिस्टेक हो जाती है, बच्चे यहाँ पे माइनस लगा देते हैं लेकिन साथ में ब्रैकेट नहीं लगाते या फिर उनके साइन नहीं बदलते, तो आप ये माइंड में रखें अगर बाहर माइनस आएगा तो आपको अंदर तमाम टर्म्स के साइन चेंज करने पड़ेंगे। जैसे आप सीखा है कि प्लस मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो माइनस हो जाता है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाता है, उसी बिहाफ पे ये जो माइनस है ये आगे तमाम टर्म्स के साइन बदल जाता है, तो ये मैंने ब्रैकेट अभी रहने दी। उसके बाद इसको 4x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये 4x² हो गया, माइनस
2 के साथ ये 8 टाइम x इज इक्वल टू 0। लो जी, तो हमने यहां तक क्या किया है, हमने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया, जो रिमेनिंग इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास यहां पे देखिए माइनस है, तो माइनस क्या करेगा, इससे आगे आने वाले जो टर्म्स हैं यानी जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ बदल देगा और ये एज इट इज रहेगा। ये आपके पास एक्स के प्लस 4x माइनस, तो ये प्लस का साइन इसके साथ, तो ये माइनस में बदल जाएगा। ये माइनस आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप इसको इन दोनों को ऐड कर लें, बाद में साइन बदल दें, या साइन बदल के फिर आप ऐड कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2 टाइम x, ये प्लस 2 टाइम x माइनस 4। अब ये चूंकि माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो साइन सिर्फ इसके बदलेंगे, इनके नहीं बदलेंगे, ये से बाहर, ये से मल्टीप्लाई माइनस नहीं हो रहा, तो वो एज इट इज आ जाएगा 4x² माइनस 8x इज इक्वल टू 0। जी तो स्टूडेंट्स अभी क्या करेंगे, लाइक टर्म्स देखें, तो ये आपके पास x² है प्लस का, ये x² है माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने से मुराद ये है कि x² में से x² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आता आइडेंटिटी 0, और 0 को इसमें ऐड करने से सब्ट्रैक्ट करने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको कह रहे थे हमने कैंसिल आउट कर दिया, ये खत्म हो गया। लो जी, अब उसके बाद हम देखते हैं कि पहले x² वाला टर्म चाहिए, तो यहां पे जो x² वाला टर्म बची है वो आपके पास 4x² है, इसको पहले लिख लेते हैं, ये आ गया 4x² उसके बाद x वाली टर्म्स देखें तो आपके पास यहां पे ये है 4x और प्लस 2x 6x, प्लस 2x कितना हो गया 8x हो गया, तो ये प्लस का 8x हो गया, और इधर देखें तो ये माइनस का 8x। आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, मैं एक्स्ट्रा डिलीट कर रहा हूं। इसी तरह से माइनस 4 कॉस्ट बचा है इक्वल टू 0। जी तो स्टूडेंट्स अब लाइक टर्म्स देखिए, 8x और 8x आपस में क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं, तो आपके पास ये आया 4x² माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या आ गया है, 4x² माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें x वाली टर्म नहीं है, तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी लास्ट लेक्चर में, तो हमने कहा था अगर x वाली टर्म 0 हो जाए, x वाली टर्म उसमें ना हो, तो वो इक्वेशन कौन सी होती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इस क्वेश्चन की क्वेश्चन में उसने ये कहा हुआ था कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, और साथ में ये भी आइडेंटिफाई करना है, उसको भी पॉइंट आउट करना है कि कौन सी जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां पे देखें तो आपके पास x² माइनस कांस्टेंट है इक्वल टू 0 है, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी है, तो आप इसका नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस इट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी क्लियर है, तो पार्ट नंबर हमारा जो 4 था ये हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बेटे नेक्स्ट जो पार्ट हमारा है पार्ट नंबर 5 है इसी क्वेश्चन का, आइए इसको करते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें आ जाए तो ये आपके पास x माइनस 2 था, वहां पे x प्लस 4 है, इधर x है, इधर भी x है, इसके अलावा हमारा पर्पस है यहाँ से डिनोमिनेटर खत्म कर दें तो फिर ये बड़ी सिंपल सी फॉर्म बन जाती है, उसको सिंप्लीफाई करना आसान होता है। तो हम पहले उसका डिनोमिनेटर खत्म करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट 4 क्वेश्चन में किया है, इसको भी मल्टीप्लाइंग बाय x इंटू एक्स प्लस 4 ऑन बोथ साइड। आपने थ्रू आउट
तमाम टर्म्स के साथ x इंटू एक्स प्लस फोर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नोट करें जरा, x प्लस फोर है, x प्लस फोर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा x और उसको उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स प्लस थ्री, साइन माइनस का। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x कैंसिल हो जाएगा, तो ये x प्लस फोर बचेगा, ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसके न्यूमरेटर से x माइनस फाइव से, एंड इज इक्वल टू वन से मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू प्लस फोर। तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता एज इट इज, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आपके पास बेटे आ जाएगा x इंटू x प्लस फोर। अब x है अंदर तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x के, उसके बाद प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 3x। उसके बाद उसी तरह से ये बाहर साइन माइनस है तो मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x के, x को माइनस फाइव एक्स से तो ये माइनस फाइव एक्स, उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये आ जाएगा 4x, 4 को 5 से प्लस माइनस माइनस तो ये आपके पास आ जाएगा 20 इज इक्वल टू x के प्लस 4x। इस x को भी अंदर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आप देखेंगे ये आ जाएगा आपके पास x के एज इट इज 3x एज इट इज, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, उसी तरह से इसके साइन बदल जाएंगे, आप इसके साइन बदल देंगे, ये एक्स के प्लस था माइनस हो गया, ये जो माइनस है ये प्लस हो गया, प्लस माइनस और ये माइनस प्लस इज इक्वल टू एक्स के प्लस फोर एक्स जी। तो बेटे अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स इसमें देखें तो ये थ्री एक्स है, फाइव एक्स है, फोर एक्स है, तो थ्री और फाइव 8 हो गए, 8 में से 4 बाकी 4x बचेगा। अब इसमें देखें तो ये आपके पास आज x square जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद लाइक टर्म्स जो है आपके पास 3x plus 5x 8x और उसमें से माइनस 4 करेंगे तो ये आपके पास रिमेनिंग होगा 4x plus 20 is equal to x square plus 4x। क्लियर है बच्चों, क्या किया आपने, ये कैंसिल, 3 और 5 8, 8 माइनस 4 आपके पास 4x प्लस 20 एज इट इज और ये एज इट इज। अब इसको हम उस तरह मूव कर लेंगे, ये आपके पास आ गया 0, ये x स्क्वायर एज इट इज प्लस 4x, ये इधर प्लस उधर माइनस 4x और ये इधर प्लस इधर माइनस 20। Is it clear? जी, तो अब आप इसको 0 is equal to x square as it is, 4x minus का 4x plus का cancel minus 20। आप इसको लिख सकते हैं x square minus 20 is equal to 0। जी, तो बेटे यहां पे देखें तो आपके पास फिर से वही उसी तरह से आप देखें इसमें x वाली टर्म जो है वो मौजूद नहीं है, हमने कहा प्योर क्वाड्रेटिक, इसमें भी x वाली टर्म जो है वो मालूम, इसमें भी x वाली टर्म जो है वो मौजूद नहीं है, तो ये भी क्या होगी, प्योर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगी। आप यहां पे मेंशन कर दें, हेंस इट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी, तो क्लियर है, तो पार्ट नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप 6 पार्ट, लेकिन इस पे देख लें आप, यहां पे एक पॉइंट और भी है, अगर आपको इसमें से आप 4 कॉमन कर लें तो x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, अब वो भी कर दें तो आपका आंसर जो है वो एग्जैक्ट बुक के अकॉर्डिंग हो जाएगा, आप ऐसे भी रहने देंगे तो ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म, इट डजंट मैटर, ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, वो बन गई है, अगर इसमें से 4 कॉमन कर ले तो फिर भी ठीक है, आपकी तब भी प्योर क्वाड्रेटिक है,
बहरहाल ये आपने अगर करना चाहे तो ये बल्कि करना चाहिए आपको, बुक के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा जी। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6 जी। तो बेटे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसका लास्ट पार्ट 6, इसको करते हैं। वैसे अब तक आपने जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए है आपको चाहिए कि आप खुद से करें। चले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको x प्लस 2 को यहां से खत्म करना है, x प्लस 3 को और 12 को जी। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 टाइम x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे थ्रू आउट तमाम टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह से जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। लो जी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो आएगा वो आएगा 12 टाइम x प्लस 3। तो ये आपके पास 12 टाइम x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके न्यूमरेटर से x प्लस 1 से। उसके बाद ये प्लस का साइन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब x प्लस 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 12 इंटू एक्स प्लस 2 जी। आपके पास यहाँ से 12 इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा, उसको उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई तो वो भी x प्लस 2 है, तो ये आपसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद इधर 12 कैंसिल तो ये 25 इधर आएगा और 25 आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 से और x प्लस 3 से। क्लियर जी। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12 इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये आएगा 4 टाइम x प्लस 3 प्लस ये 12 आपके पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 4 टाइम x प्लस 4 इज इक्वल टू 25 एज इट इज, x स्क्वायर प्लस 5 टाइम x प्लस 6 मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब x को 3 से 3x हो जाएगा, x को 2 से 2x, तो मैंने इसको डायरेक्ट ऐड कर लिया 5, इसी तरह मैंने यहां पे किया, इसी तरह मैंने यहां पे किया। अब 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12 को तो ये आ जाएगा 48, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट 12x स्क्वायर प्लस 4 से तो 48x प्लस 48 is equal to 25x के 125x उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 150। तो अब 12x के ये आपके पास हो जाएगा 24x के 48x 48x और 48x हो गया 96x प्लस 36 प्लस 48 ये हो गया आपके पास 84 और ये 25x square प्लस 125x प्लस 150। तो जी आप क्या कर रहे हैं, इसको उठा के उस तरह मूव कर रहा हूं लेकिन मैं इसी साइड पे लिख रहा हूं, तो ये आपके पास आएगा 25x स्क्वायर, यहां पे जैसे मैंने लास्ट पे जाके किया था ना, इसको इस तरह मूव कर लिया यानी कि इक्वल है 0 उस साइड पे ले गया। तो यहां पे मैं ये साइड इधर लिख रहा हूं, इस साइड पे 0 बचना था लेकिन मैं इसको उस तरफ लिख लूंगा, तो ये आपके पास हो गया 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150 जी। तो ये वाली साइड एज इट इज, इसको मैं उस तरफ मूव कर रहा हूं, ये माइनस 24x स्क्वायर माइनस 96x माइनस 84 इक्वल टू 0। क्लियर है, 25x स्क्वायर में से 24 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास होंगे सिर्फ x स्क्वायर रह जाएगा, सिर्फ आपके पास x स्क्वायर रह जाएगा। उसी तरह 125 में से 96 सब्ट्रैक्ट करें, 125 जो है वो प्लस का है तो यहां साइन प्लस का आ जाएगा, 125 में से 96 29 तो ये आ जाएगा 29x। इसी तरह 150 में से 84 सब्ट्रैक्ट करेंगे 66. तो ये आएगा प्लस का
66 इक्वल टू 0 जी। तो अब ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, x2 + 29x + 66 इक्वल टू 0। तो नीचे आपने एक सेंटेंस ऐड कर देना, हेंस इट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है लो जी, इसके साथ ही आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके तमाम पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके कितने मेथड हैं वो हम देखेंगे, और उन मेथड्स को कैसे कैसे अप्लाई करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आपका ये लेक्चर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 पे जो था वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।